उन्होंने पंजाब में भी, और अब श्री राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में देश में भी किसान गरीब मजदूर की लड़ाई का एक नया इतिहास बनाने का संकल्प लिया हमारे भाई और साथी अखिल भारतीय किसान और खेत मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार सुखपाल सिंह खेरा जी, मंच पर विराजमान मैं क्षमा चाहूंगा बहुत सारे वरिष्ठ साथी यहां मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के हरियाणा कार्यकारी अध्यक्ष मौजूद हैं, किसान कांग्रेस के सम्मानित प्रदेशों के अध्यक्षगण यहां मौजूद हैं। मैं उन सबको सम्मानित मंच कह संबोधित कर अपनी बात की शुरुआत करूंगा। साथियों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद के देश की संसद के सामने देश के किसान की, देश के मजदूर की, देश के मेहनतकश अन्नदाता की, जो पेट और पीठ एक करके इस देश का पेट पालता, उसकी आवाज बुलंद करने के लिए, उसकी आवाज उठाने के लिए आज आप सब यहां एकत्रित हुए हैं। आपकी आवाज जंतर मंतर से देश की संसद तक, उस बैरी सरकार के कानों तक पहुंचेगी सरदार सुखपाल सिंह खेरा के नेतृत्व में, मुझे इस बात का संपूर्ण विश्वास। आज हिंदुस्तान में, आज देश की संसद में सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है सरकार। इसका डीएनए ही, इसकी सोच ही, इसका विचार ही किसान विरोधी है, गरीब और खेत मजदूर विरोधी। ये वही सरकार और वही लोग तो हैं साथियों, जिनके हाथ उन 700 किसानों की, जिन्होंने बलिदान दिया उसके खून से सने हैं, जो साल तक, एक साल से अधिक तक दिल्ली की सीमा पर पड़े रहे। इसलिए खुद के लिए नहीं, इस देश के किसान के खिलाफ बनाए गए 3 काले कानूनों को खत्म करने के लिए। परंतु दिल्ली की सरकार, दिल्ली की सरकार ने उनके रास्ते में, हरियाणा की खट्टर सरकार ने उनके रास्ते में रोड़े बिछाए, गड़े खुदवाए, कीले बिछवाई। परंतु ये आपकी ताकत है, वो सारे किसान भाई जो यहां बैठे हैं, खेत मजदूर भाई जो बैठे हैं, ये आपकी ताकत है कि दिल्ली की सरकार को किसान की जोड़ी पर आपने झुका कर दिखा दिया। साथियों, ये वो लोग हैं, याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव से पहले, उसके बाद फिर 2016 में बरेली उत्तर प्रदेश में ये कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों की आय तो दुगनी हुई नहीं, किसान का दर्द जरूर 100 गुना बढ़ गया। जिस दिन सत्ता संभाली, जब तक सत्ता नहीं मिली थी, जब तक कुर्सी नहीं मिली थी, कहते थे किसान को लागत पर 50% मुनाफा देंगे। परंतु जब सत्ता संभाली तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने शपथ पत्र दिया और कहा किसान को लागत पर 50% पैसा नहीं मिल सकता, उससे बाजार भाव खराब हो जाएगा। मोदी जी, अगर इस देश के 100 सबसे बड़े अमीरों को, इस देश के 5 आपके मित्र उद्योगपतियों को 10 लाख करोड़ की बैंक माफी देने से बाजार भाव और अर्थव्यवस्था खराब नहीं हो सकती, तो किसान को उसकी मेहनत की कीमत देने से बाजार भाव और अर्थव्यवस्था कैसे खराब हो सकती। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने सत्ता में आते ही ये कहा किसान को कोई प्रांतीय सरकार भी चाहे तो बोनस नहीं दे सकती। छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार, राजस्थान की हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार ये चाहती थी कि जीरी पर, गेहूं के ऊपर किसान को बोनस दिया जाए,
नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी, देश के कृषि मंत्री ने चिट्ठी लिखी और ये कहा कि अगर आप अपने प्रांत से बोनस देंगे किसान को, गेहूं पर बोनस देंगे, धान पर बोनस देंगे, तो फिर हम आपके यहां सरकारी खरीद बंद कर देंगे। ये वो लोग हैं, वो कानून जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बनाया था, किसान का उचित भूमि मुआवजा कानून, सबसे पहला निर्णय नरेंद्र मोदी ने उस अध्यादेश को खत्म करने का लिया था। ये तो हिम्मत है इस देश के किसान की, इस देश की कांग्रेस पार्टी की, कि उन्होंने मिलकर संघर्ष किया। याद करिए, यही दिल्ली के अंदर 5 लाख से अधिक लोगों की रैली को राहुल गांधी जी ने संबोधित किया, संसद के अंदर किसान की आवाज उठाई और सरकार को आखिर मजबूर कर दिया कि वह अध्यादेश वापिस ले। किसान को आज एमएसपी की गारंटी देने का वादा कर किसानों का आंदोलन वापस लिया था, परंतु आज फिर लगभग 1 साल बीत गया। मैं आज पूछता हूं इस मन से, खेरा साहब ये बार बार पूछते आए, कहां है वो एमएसपी की गारंटी का वादा? जब निर्यात करना हो व्यापारी को, जो 3 या 4 बड़े व्यापारी हैं, तो फिर गेहूं की कीमत बढ़ जाएगी, परंतु जिस दिन घोड़ा भाड़ा जमींदार और किसान अपनी जिंस लेकर मंडी में जाएगा, तो उसको तो एमएसपी भी मिलना मुश्किल है। आज बासमती की कीमत क्या है, और जब आप बासमती बेचने गए थे तो कीमत क्या थी? क्या ये कैसे संभव है कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हमारी फसल बेचने के बाद बाजार में कीमत डेढ़ और 2 गुना हो जाती, परंतु जब हम फसल बेचना जाते हैं बाजार के अंदर, तो फिर हम एमएसपी के लिए सरकार के आगे गिड़गिड़ाते हैं। आज इस मन से हम सब भाई पूछते, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछती, किसान को एमएसपी की गारंटी देने के अंदर दिक्कत क्या? दिक्कत सिर्फ मोदी सरकार की बेईमानी, दिक्कत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी रवैया। और आज किसान की फसल की लागत 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर बढ़ा दी गई। कहते हैं कि हम कहीं कहीं 4-5-6 हजार रुपया देते हैं एक किसान परिवार को। मोदी जी, अगर आपने खेती की होती, तोमर साहब जो देश के कृषि मंत्री हैं, कभी आपने हल्का मुंह पकड़ कर देखा होता, तो फिर आपको मालूम चलता कि किसान के उत्पाद की लागत की परिस्थिति क्या है। 56 रुपया लीटर डीजल था किसान का ईंधन जब सरदार मनमोहन सिंह की सरकार थी, आज वो डीजल 100 रुपया के करीब पहुंच गया। 71 रुपया लीटर पेट्रोल का भाव था, आज वो 100 रुपया और कई प्रांतों में 100 रुपया लीटर से ज्यादा पहुंच गया। ये पहली किसान विरोधी सरकार है जिसने हमारी खाद के ऊपर 5% जीएसटी लगा दिया, कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी लगा दिया, किसान के ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी लगा दिया। क्या इनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि इस देश के 72 करोड़ लोग, इस देश के 72 करोड़ किसान मजदूर अन्नदाता, इस देश का पेट और पीठ एक करके देश का पेट पालने वाला, इस देश का सरदार, इस देश का मजदूर, इस देश का गरीब, इस देश का अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों का हमारा किसान, इस देश का मेहनतकश किसान, 25,000 रुपया हेक्टेयर अगर आप कीमत बढ़ा देंगे उत्पाद की, खाद के कट्टे से 5 किलो खाद चोरी कर लिया, डीएपी और यूरिया की कीमतें क्या हुआ करती थी, आज क्या है? और अब एक नई स्कीम कहते हैं खेरा साहब वो लेकर आ रहे हैं, संसद में चर्चा थी कि खाद के पे दी जाने वाली सारी सब्सिडी को खत्म करेंगे। केवल पिछले साल 72,000 करोड़ रुपया सब्सिडी का मोदी ने खत्म कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया। और अब ये चर्चा है
के लगभग 2 लाख 1.5 लाख करोड़ सब्सिडी जो खाद के ऊपर मिलती है वो सारी की सारी खत्म करेंगे। मैं आज इस मन से पूछता हूं और मैं मुबारकबाद देते हुए किसान कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप सब साथियों को मुबारकबाद देते हुए कहता हूं, साथियों ये संघर्ष केवल जंतर मंतर तक नहीं रुकना चाहिए, ये संघर्ष हमको हर प्रदेश में लेकर जाना पड़ेगा। अगर इस देश के 72 करोड़ लोगों को बचाना है, इस देश में किसान और खेत मजदूर की संख्या 72 करोड़ है, अगर इस देश के 72 करोड़ लोगों की आजीविका बचानी है, अगर इस देश के 72 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचानी, अगर इस देश के 72 करोड़ लोगों के बच्चों को भविष्य का स्वप्न और रास्ता उनके लिए बनाना, तो वो रास्ता मल्लिकार्जुन खड़गे जी का रास्ता, वो रास्ता राहुल गांधी जी का रास्ता, वो रास्ता श्रीमती सोनिया गांधी का रास्ता, वो रास्ता सरदार सुखपाल सिंह खेरा का रास्ता। आइए संकल्प ले के खेरा साहब के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर संघर्ष का एक नया बिगुल बजाएंगे और जो खेत मजदूर और किसान के रास्ते में खड़ा हो जाएगा उस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, तभी ये रास्ता चलेगा। क्योंकि जब किसान करवट लेता है, जब देश का अन्नदाता करवट लेता है, तो फिर सरकारें डोलती भी है और सरकारें किसान की जोड़ी पर झुक भी जाती है। आपको ये संकल्प आज यहाँ से लेकर जाना है। एक बार फिर मैं खेरा साहब को, किसान कांग्रेस के सब साथियों को ढेर शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं और ये कहता हूं, ये संघर्ष की आज शुरुआत है, ये रुकना नहीं चाहिए, ये संघर्ष निरंतर चलता जाए, यही आज के वक्त की मांग है। जय हिंद, जय किसान।